इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन आदाब, इत्तेहाद न्यूज़ की खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं नमाज, रोज़ा और वज़ू के साइंटिफिकल फ़ायदे। इस्लाम ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाबता हयात है। ऐसा कोई शोबा ज़िंदगी का नहीं है जिसमें इस्लाम ने रहनुमाई न की हो। यहाँ तक कि इस्लाम में इबादत में रूहानी फ़ायदे के साथ साथ जिस्मानी और साइंटिफिकल फ़ायदे भी मौजूद हैं। इबादत के साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नतों में रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे मौजूद हैं। बात अगर रोज़ों की करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप हर हफ्ते की पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते, जिसका जिस्मानी फ़ायदा ये होता है कि ऑटोफेगी के तहत जिस्म में नुकसानदार जरासीम का खात्मा होता है और जिस्म सेहत याब रहता है। रोज़ों के ताल्लुक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मामूल था कि आप महीने की चांदनी वाली 13, 14 और 15 को रोज़ा रखा किया करते थे, जिसका साइंटिफिकल फ़ायदा ये होता है कि कुदरतन माहौल में इन 3 दिनों में अजीब तरह की तब्दीली आती है। जैसे समंदर में पानी इन 3 दिनों में जोश मारता है, ठीक इसी तरह जिस्म में भी खून जोश मारता है, जिसे रोज़ा रख कर जिस्म में होने वाली नुकसानात से बचा जा सकता है। बाज़ डॉक्टर और हकीम भी इन 3 दिनों में ऑपरेशन करने से भी परहेज करते हैं। बात अगर हम रमज़ान के 30 रोज़ों की करें तो तहकीक से ये भी पता चलता है कि साइंटिफिकली कितने फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट ने मेडिसिन में नोबल प्राइज़ हासिल किया, जिनकी तहकीक ये थी कि कैंसर जैसी मुहल्लिक बीमारी से नेचुरली कैसे बचा जा सकता है। तहकीक का खुलासा ये था कि अगर कोई शख्स 10 से 12 घंटे दिन में भूखा रहे और ये सिलसिला 20 से 25 दिन साल में चलता रहे तो ऑटोफेगी के तहत कैंसर के मुर्दा जरासीम का अपने आप खात्मा हो जाता है। तहकीक तो 2016 की है, लेकिन इस्लाम ने सैकड़ों साल से इंसान की बेहतरी की तालीम दे रखी है। आजकल के रोज़मर्रा की पान खान का जो सिस्टम है, इस कदर हमारा बिगड़ा हुआ है कि जिस्म को मौका ही नहीं मिलता कि नेचुरल जिस्म का इलाज हो, क्योंकि जिस्म का मामूल इस तरह होता है कि हाजमा या डाइजेशन का काम ख़त्म होने के बाद जिस्म के अंदर नेचुरली इलाज यानी हीलिंग का काम शुरू होता है, जिसे हम करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि हमारा रोज़मर्रा खाने का सिलसिला इस तरह से होता है। इसलिए रोज़े यानी फास्टिंग एक तंदुरुस्त जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी साबित होते हैं, नेचुरली हीलिंग के प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। ठीक रोज़ों की तरह अल्लाह ताला ने नमाज में भी रूहानी फ़ायदे के साथ साथ जिस्मानी फ़ायदे भी रखे हैं। नमाज का हर जुज़्म जिस्मानी फ़ायदे से भरा हुआ है। जिस्म के हर पुर्जे की एक्सरसाइज से लेकर दिमाग को खून पहुँचाने से लेकर और खाने के हाजमे तक बेहतरीन फ़ायदे हैं, जिनकी साइंटिफिकली रिसर्च आपके बीच मौजूद है। बात अगर एक छोटे से इस्लामिक अमल वुज़ू की भी करें तो इसके कई साइंटिफिकल फ़ायदे दरियाफ्त किए गए हैं, जैसे गर्दन का मसा वगैरह वगैरह। माहिरीन का कहना है कि गर्दन का मसा करने की वजह से इंसान के दिमागी तौर पर बीमार होने के चांसेस यानी दीवाना होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इसलिए मुस्लिम देशों के बनिस्बत दूसरे देशों में पागलखाने काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यह एक तहकीक है। खैर, ये तो मैंने कुछ एक इस्लामी अरकान के फ़ायदे बताए हैं।
वैसे देखा जाए तो इस्लाम के हर रुकन में दुनियाई और आखिरत की कामयाबी छुपी हुई है, पर मुसलमान हैं कि इससे भटके हुए हैं। ये उस कौम का हाल है जिस कौम ने दुनिया को इकरा का सबक देकर भेजा गया है। बस आज के लिए इतना ही, दीगर खबरों के लिए देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।